दोस्तों, पीएम मोदी रिस्क लेने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारत में बड़े बड़े रिस्क लेकर उन्होंने देश की तकदीर बदल दी है, लेकिन अब वो इतिहास की सबसे बड़ी रिस्क लेने जा रहे हैं। उनके इस रिस्क पर आने वाले दशकों में भारत की तकदीर लिखी जाएगी। ये रिस्क इतना बड़ा है जो भारत को या तो सर्वशक्तिमान बना सकता है या फिर जमीन पर पटक सकता है। अगर मोदी जी फेल हुए तो दुनिया भर के भारत पर चौतरफा हमले शुरू हो जाएंगे। ये इतना बड़ा रिस्क है जिसे लेने से पहले बड़े बड़े देश बेहद डरते हैं और वो 100 बार सोचते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनका क्या होगा। लेकिन पीएम मोदी एक ऐसे धुरंधर नेता हैं जो अपने देश की तरक्की के लिए परिणाम की चिंता किए बगैर धुआंधार रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं, और इसी वजह से कई लोग पीएम मोदी को ब्लाइंड रिस्क टेकर भी कहते हैं। लेकिन हर बार पीएम मोदी सफल साबित हो जाते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं और कुदरत हमेशा उनका साथ देती है। आज पीएम मोदी के आगे पीछे ना कोई परिवार है, ना कोई सगा संबंधी। इसी वजह से वे खुलकर देश के लिए रिस्क लेते हैं, जबकि परिवार में रहने वाले नेता रिस्क लेने से पहले कई बार सोचते हैं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि पीएम मोदी ने डॉलर को खुलेआम चुनौती दी थी, लेकिन अब उन्होंने इससे भी बड़ा कांड कर दिया है जिसके बारे में विस्तार से बताएंगे आगे आपको। तो दोस्तों, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देना कोई आम बात नहीं थी। जो भी देश अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है, अमेरिका उसका क्या हश्र करता है। पूरी दुनिया ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे देशों में देखा है। अमेरिका अपने दुश्मनों की बोटी बोटी नोचकर खा जाता है। आकाश में उड़ रहे चील कौवे के लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ता। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने न केवल अमेरिका को चुनौती दी, बल्कि डॉलर की कमर तोड़कर उसकी सारी अकड़ निकाल दी है। लेकिन ये खबर तो सुनकर आपका कान पक गया होगा। आज जिस नई खबर की चर्चा हम करेंगे, उसमें चीन की फटने वाली है। चीन को मोदी ने दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस मुद्दे पर आज दोस्तों हम आपको विस्तार में बताएंगे। दोस्तों, मोदी ने न केवल डॉलर की आवाज नीचे कर दी है, बल्कि अमेरिका की बोलती भी बंद कर दी है। और अब मोदी के हिटलिस्ट टारगेट पर चीन है, जिसने अरुणाचल में नाम बदलने की गुस्ताखी कर दी है। इस तरह से देखा जाए तो मोदी एक साथ अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियों से टकरा गए हैं। इसका परिणाम या तो भयंकर होगा या फिर भारत के लिए भयानक भी हो सकता है। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने खुला ऐलान करते हुए कहा था कि डॉलर को हटाओ और अमेरिका की औकात दिखाओ। मोदी ने डॉलर को धक्का मारकर व्यापार से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया था, और अब चीन की गर्दन में हाथ लगाकर हाई राइज बिल्डिंग से नीचे फेंकने की तैयारी चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि आज अमेरिका ने अपने डॉलर को हथियार बना लिया है, और किसी भी देश को इस हथियार की बदौलत वो पल भर में बर्बाद कर देता है। जैसा कि दोस्तों आप उदाहरण के तौर पर यूक्रेन युद्ध में ही देख लीजिए, अमेरिका ने अपने डॉलर की दादागिरी दिखाते हुए एक झटके में रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था, जिसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था तड़प तड़प कर सांस ले रही है। अब मरने की कगार पर पहुंच चुका है रूस। भला रूस की ऐसी हालत देखकर भारत चुप कैसे बैठेगा। जिस तरह से रूस ने भारत का हमेशा मुश्किल में साथ दिया है, अब भारत को भी अपनी दोस्ती निभाने का समय आ चुका है। जिस रूस ने भारत को अखंड बनाया, जिस रूस ने यूएन में वीटो का इस्तेमाल करके भारत के टुकड़े होने से बचाए, तो आखिर आज भारत उस रूस को कैसे भूल जाए जिसने कई मौके पर अपनी बलि चढ़ाकर भारत की रक्षा की है। इसी वजह से अब पीएम मोदी अपने दोस्त रूस का साथ देते हुए अमेरिकी डॉलर की कमर तोड़ने में लगे हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तेल व्यापार से हटाओ डॉलर और अमेरिका की दादागिरी को आग लगाओ। मोदी जी ने साफ कर दिया है कि अब डॉलर की जगह रुपया लेने जा रहा है, और वो भी पूरे धूम धड़ाके के साथ। और उन्होंने ऐसा केवल रूस के साथ व्यापार में नहीं किया, बल्कि अब रूस के बाद 25 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बेचैन हो उठे हैं। भारत के पास अचानक 25 दरवाजों से खजाना खुल गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के रिस्क के कारण ही संभव हो पाया है। लेकिन अब उन्होंने इससे भी बड़ा कांड कर दिया है। इसी वजह से आज पूरा भारत सोच में पड़ गया है, क्योंकि अगर पीएम मोदी अपने इस मिशन में फेल हुए तो शायद भारत को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फेल होने के बाद भारत कई साल पीछे चला जाएगा।
क्योंकि अब की बार मुकाबला सीधे तौर पर चीन से होने वाला है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि रूस ने भारत से कहा था कि हमें चीन की करेंसी युआन में पैसे दे दो। रूस की इस बात से पीएम मोदी का ईगो हर्ट हो गया था, क्योंकि पीएम मोदी धूम धड़ाके के साथ रुपए को पूरे दुनिया का करेंसी बनाना चाहते थे, लेकिन रूस बीच में कहने लगा कि प्लीज मुझे चीन की करेंसी युआन में पैसे भेजो। ये सब देखते हुए पीएम मोदी का माथा ठनक गया और अब उन्होंने ठान लिया है कि ना केवल डॉलर बल्कि युआन को भी रास्ते से हटाना होगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि युआन एक राइजिंग करेंसी है जिसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी मिल चुका है। ऐसे में युआन को हरा पाना मोदी के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन मोदी आसान काम तो करते ही नहीं हैं, उनका जन्म ही हुआ है समुद्र से बड़ी चुनौतियों को पार करने के लिए। आज पीएम मोदी विदेशों की चिंता नहीं करते। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी महान शक्तियां आज भारत को अपना गुरु मानने लग गई है। इसके पीछे पीएम मोदी का हनुमान कहे जाने वाला डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा योगदान है। लेकिन चीन एक ऐसी टेढ़ी पूंछ है जिसमें कितना भी तेल लगा दो वो सीधा ही नहीं होती। तो अब पीएम मोदी चीन को तेल लगाने नहीं बल्कि डंडे से जवाब देने जा रहे हैं। एक तरफ चीन अपनी करेंसी युआन को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक रहा है, उसी के बहकावे में आकर रूस ने भी भारत से युआन में ट्रेड करने को कहा था। लेकिन युआन में ट्रेड करना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये बात सच है कि आज डॉलर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई अगर है तो वो युआन है। आप सभी जानते हैं कि पूरे रूस के अंदर आज रूबल से भी ज़्यादा युआन का वर्चस्व हो गया है। रूस ने भी अपने देश के अंदर डॉलर को खदेड़कर युआन को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। चीन ने अपनी करेंसी युआन की बदौलत IMF तक को चुनौती देने के लिए एक एशियन मॉनिटरी फंड बनाने का समर्थन कर दिया है। एशियन मॉनिटरी फंड बनाकर चीन अपनी करेंसी युआन को बेहद ताकतवर बनाना चाहता है। ये सब देखकर भारत चुपचाप कैसे बैठ सकता है? इसलिए भारत में भी अब तूफान की रफ्तार पकड़ ली है। भारत लगातार कई बड़े बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता जा रहा है। ट्रेड को फ्री करने के बाद पीएम मोदी चीन को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज अमेरिका के खेमे वाले यूरोप के सारे देश चीन से नफरत करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए केवल चीन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, बल्कि वो सब चीन से भागकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हाल ही में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो धीरे धीरे चीन से भागकर भारत में फोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आज चीन का युआन अगर मजबूत हुआ है तो उसके पीछे उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और जानकार बताते हैं कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए बेहतर है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पहले सुधर गया था। आज आप खबर में सुनते ही होंगे कि नितिन गडकरी धुआंधार स्पीड से एक्सप्रेसवे बनाते जा रहे हैं। पीएम मोदी नई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। टाटा एयर इंडिया डील हो रही है, नए नए एयरपोर्ट और पोर्ट बन रहे हैं। इन सब के पीछे एक ही मकसद है, ताकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों से भी बेहतर बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये वही देश है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि इन्होंने दशकों पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड क्लास बना लिया था। जिस तरह से पीएम मोदी ने डॉलर का बोरिया बिस्तरा बांध दिया है, अगर इस जगह पर भारत के अलावा कोई और देश रहता तो अमेरिका उस देश का कचूमर निकाल देता। लेकिन आज भारत की सशक्त ताकत ने अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर चीन भारत के खिलाफ हमला बोलता है तो भारत जल्द ही नाटो ज्वाइन करके पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा, जिसके बाद भारत पर हमला करने से पहले चीन हजार बार सोचेगा। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद।